तो तलुकात नहीं बेहतर करनी चाहिए उनके साथ, मतलब कि मिलना मुलना नहीं चाहिए। तो दो मैचेस में दोनों ही पाकिस्तान हार गए इंडिया से। वो कहते हैं कि बिरयानी जो है वो हैदराबाद की, हैदराबाद जैसे बिरयानी कराची में भी नहीं, वो कहते हैं। जी जी, इसकी बड़ी उन्होंने खानों की भी बड़ी तारीफ की, बड़ी जबरदस्त हुआ है। जी सर, 60 साल के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क से, इंडिया से पाकिस्तान विजिट करने के लिए टेनिस प्लेयर आए हैं और यहाँ पर आकर दो मैचेस तीन मैचेस खेलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडियंस का वेलकम करना चाहिए अपने मुल्क के अंदर या नहीं करना चाहिए? जी वैसे तो जैसे वो खारबाजी और तासब रखते हैं, तो हमें बुलाया तो इन्होंने ही है, गवर्नमेंट है जो हमारी, कि ये हमसे तल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं ये, लेकिन होना ऐसे नहीं चाहिए जैसे वो हमसे सलूक करते हैं। तो तल्लुकात नहीं बेहतर करनी चाहिए उनके साथ, मतलब कि मिलना मुलना नहीं चाहिए? करना नहीं चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं, ये असल में ये पॉजिटिव रोल रखना चाहते हैं अपना, कि वो अपना रवैया उन्होंने वही रखा हुआ है, कट्टा से मस नहीं हो रहे। अच्छा जी, कोशिश तो वो भी तो कर रहे हैं पीस कायम करने की, अगर कोशिश ना करते तो वो इधर आते ही क्यों? वही कोशिशें कर रहे हैं ना, लेकिन ये है कि लेकिन उनको रवैया थोड़ा, असल में वो देखते हैं कि जितने भी ममालिक हैं उनके साथ इंटरनेशनली वो सारे रिलेशन उन्होंने अच्छे बनाए हुए हैं, तो ये चाह रहे हैं इंडिया ने, हाँ ये भी चाह रहे हैं कि थ्रू हम भी कोई किस तरह वो लचक पैदा करें हमारे लिए, ये उनसे वो थोड़ा अपना। दो मैचेस में दोनों ही पाकिस्तान हार गए इंडिया से। मैं वैसे देखता तो इतना टेनिस वगैरह, लेकिन देखता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़ आई है वो रिपोर्ट कर। हाँ जी, बोले इंटरनेशनली रैंकिंग में जो है ना वो इनसे इनकी रैंकिंग है 1650 उनकी रैंकिंग है 400 इंटरनेशनली, जो मैंने व्हाट्सएप देखा था कल परसों आया उसमें, वो जिसमें जी इंटरनेशनल रैंकिंग वो फर्क है, वो आगे निकल इंटरनेशनली वो लेवल है। तो सर बहुत वार्म वेलकम किया गया था सुना था, और वीडियोस को भी कोई देखी पाकिस्तानियों ने, और उनके प्लेयर्स की बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए था, उतना भी नहीं अच्छा किया, क्या कहना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस्तकबाल रहने दे? अब तो एक जाहिर अब आए हैं मेहमान नवाजी, तो जाहिर है वो करनी चाहिए, आ गए हैं बुलाया है तो मेहमान नवाजी भी फिर करनी चाहिए थी। सर हमारे प्लेयर्स जब इंडिया गए थे तो उन्होंने तो एंड कर दी थी इतनी मेहमान नवाजी की, पूरे के पूरे स्टेडियम पूरे के पूरे एयरपोर्ट को सजाकर लोगों ने झंडे उठाए, लोगों ने इस्तकबाल किया हमारे प्लेयर्स को, जिधर होटल में रह रहे थे उधर सबके सब वो कुकिंग कुक से लेकर हर बंदा ही उनको सलामी पेश। उसमें दो शहर जो मेन उनके थे ना जब वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें हैदराबाद और अहमदाबाद, वहाँ पे तो बड़ा वार्मले बड़ी खुश हुई है। क्यों वहाँ पर क्यों खुश हुई? वो वहाँ पे मुसलमानों की तादाद जो है अक्सरियत है ज्यादा, तो उन्होंने ज्यादा किया। डिवीजन नहीं करना चाहिए, देखिए है तो वो इंडियन ही ना जी, वहाँ पर रहते हैं तो इंडियन ही है, उनका डीएनए जो वो इंडियन ही है, लेकिन उन्होंने हमारे इस्तकबाल किया तो ये बड़प्पन का समझना चाहिए। और हम अभी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि नहीं यार नहीं करना चाहिए था, वो अगर बुगस रखते तो हमें भी रखना चाहिए। सर देखे हम कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं सबसे अफजल हैं, तो अगर हम बुगस रखेंगे और हमें क्या फर्क रह जाएगा? तो वो तादाद मैंने पहले ही आपको बताया कि वहाँ मुसलमानों की ज्यादा थी जिन्होंने किया, बाकी शहरों में इतना नहीं हुआ। बाकी हाँ। मैंने जहाँ जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हर एक शहर के अंदर हर एक सिटी के अंदर बहुत वार्म वेलकम किया गया, और पूरी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया अप्रिशिएट कर रही है उनको कि भाई वार्म वेलकमिंग सीखनी हो, मेहमान नवाजी सीखनी हो तो इंडियन से सीखो। चाहे हार गए थे लेकिन वर्ल्ड कप नहीं क्वालिफाई कर सके सेमीफाइनल में भी, लेकिन एंड पे रिमार्क्स जो थे हमारे कैप्टन बाबर आजम के या पूरी मैनेजमेंट के वो पॉजिटिव थे। बिल्कुल, वो कहते हैं कि बिरयानी जो है वो हैदराबाद की, हैदराबाद जैसे बिरयानी कराची में भी नहीं, वो कहते हैं। जी जी, इसकी बड़ी उन्होंने खानों की भी बड़ी तारीफ की, बड़ी जबरदस्त हुआ है। हाँ। जी तो पॉजिटिव वार्म क्या ऐसे आने जाने से, हमारे प्लेयर्स वहाँ पर जाने से, उनके इधर आने से, अभी हमारे दोबारा से उन्होंने जो बैन लगाया था हमारे सिंगर्स पर हमारे एक्टर्स पर, वो बैन भी हटा दिया, आप जाकर वहाँ पर जाकर काम भी कर सकते हैं, तो ये आने जाने से क्या नफरतें मिट जाएंगी? सीनियर जो हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर भी हैं जैसे वसीम अकरम, ये वो उनके भी इंडिया के भी वो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स में ना कोई भी हो, टेनिस हो हॉकी हो, ये इसको प्रमोट करना चाहिए मुल्की लेवल पे सतह पे दोनों की तरफ से, कि ये बिल्कुल ही पीछे जा रहा है काम, तो इसमें करना ही चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। हाँ जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।